सो हे गाइस, इट्स मी मुकेश। वेलकम बैक टू वन न्यू एश फोटोग्राफी वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं कैप्चर करने जा रहा हूँ जुपिटर। और आज है 31 अक्टूबर और ओपोजिशन का समय चल रहा है। आपको पता होगा कि जुपिटर ओपोजिशन है और 2 तारीख को एकदम पीक पर होगा, मतलब कि एकदम क्लोज होगा। ओपोजिशन क्या होता है मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। ओपोजिशन यह होता है कि सन और अर्थ और जुपिटर प्लैनेट एक ही लाइन में अलाइन रहते हैं, तो उसे बोलते हैं कि ओपोजिशन है। मतलब कि पृथ्वी के काफ़ी पास होता है, इसलिए वो ओपोजिशन होता है। और ये चीज़ 2 तारीख मतलब 2 नवंबर को एकदम पीक पर रहेगा, मतलब कि एकदम पास में रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, जुपिटर ओपोजिशन को कैप्चर करते वक्त सबसे ज़्यादा यदि हर्डस आ सकता है तो हो सकता है क्लाउड्स, क्योंकि यदि मौसम कैसा है वो डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक बार रेयर कैमरा से दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ का जो वेदर कंडीशन है मुझे क्लीन ही दिखाई दे रहा है। थोड़े बहुत क्लाउड्स हैं तो शाम तक हट ही जाएंगे, रात होते होते कुछ इस तरह का है। तो चलिए देखते हैं क्या कैसा रहता है रात को कंडीशन। पता होगा कि जुपिटर प्लैनेट ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम में कि सबसे बड़ा है। जी हाँ, और इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि जो पृथ्वी है ऐसे ही 1300 पृथ्वी मिलकर उसके अंदर समा जाएगी, इतना बड़ा है। जब आप अपने टेलीस्कोप से जुपिटर प्लैनेट को देखते हैं तो वहाँ पर आपको एक रेड स्पॉट दिखाई देता होगा, और वह रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि उसके अंदर एक पृथ्वी आ जाएगी, इतना बड़ा है। और वहाँ पर हवाएं चलती हैं काफ़ी तेज़ी से, और ऐसा बताया जाता है कि वो 350 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो ये रहा रेड स्पॉट की कुछ जानकारी। फाइनली गाइस, रात हो चुकी है। अभी टाइमिंग की बात की जाए तो 8:40 हो रहे हैं और जुपिटर राइज हो चुका है, मतलब बहुत ही अभी फ़िलहाल ऊपर है और आज काफ़ी ब्राइट है क्योंकि जुपिटर ओपोजिशन है इसलिए। और मून भी राइज है तो मून भी काफ़ी ब्राइट कर रहा है। तो चलिए मैं आपको रेयर कैमरा से मून और जुपिटर दिखा देता हूँ। सो आप यहां पर देख सकते हैं जुपिटर आपको दिखाई दे रहा है और मून भी साथ में दिखाई दे रहा है, और आप देख सकते हैं मून कितना ब्राइट दिखाई दे रहा है और जुपिटर भी साथ में ब्राइट है क्योंकि ओपोजिशन है जुपिटर का इसलिए। तो चलिए फटाक से फाइंड आउट करते हैं जुपिटर प्लैनेट की तरफ। तो यहां पर मैं अपने टेलीस्कोप को लेकर आ चुका हूं बाहर और मुझे जुपिटर प्लैनेट काफ़ी ही अच्छा दिखाई दे रहा है नाइट स्काई में, और मून भी साथ में दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है मून। तो देर किस बात की, चलिए पहले मैं अपने डस्ट कैप को हटा लेता हूँ और फिर कैप्चरिंग को करते हैं स्टार्ट। मैं कैप्चर करने जा रहा हूँ जुपिटर और साथ में उसके मून्स भी जो उसके अगल बगल जो पास में रहते हैं, जैसे क्लेस्ट्रो हो गया, यूरोपा हो गया, ये तो जुपिटर है, और गैनमेड और लियो हो गया। 20mm की आईपीस को यूज़ करके जुपिटर के मून्स दिखाता हूँ। चलते हैं 20mm की आईपीस को यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं जुपिटर प्लैनेट को। आईपीस से जुपिटर प्लैनेट को अलाइन कर लिया हूँ, चलिए मैं आपको फटाक से दिखाता हूँ। पर दोस्तों उससे पहले फ़ोन और अडेप्टर को सेट करना पड़े, तो चलिए फटाक से फ़ोन और अडेप्टर को सेट। तो यहाँ पे आप लाइव व्यू देख रहे हैं जुपिटर, उसके साथ में मून्स भी। आईपीएस की मदद से जुपिटर की मून्स को भी कैप्चर किया और आप लोग देख लिए होंगे, तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ 4mm की आईपीस, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं फटाक से जुपिटर को कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पे मैं कब से फाइंड आउट कर रहा था जुपिटर प्लैनेट को 4mm की आईपीस की मदद से, तो आखिरकार वो मिल ही जाता है, बट वो फ्रेम में आके फिर चले आ जाता है, तो फाइनली मुझे मिल जाता है। तो मैं सोचा आपको फटाफट से लाइव व्यू दिखा देता हूँ। हम लोग अलाइन कर लिए हैं अपने जुपिटर प्लैनेट को 4mm की आईपीस की मदद से, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको फटाफट से लाइव व्यू दिखाता हूँ।
सो गाइज आप देख सकते हैं जुपिटर ओपोजिशन आपको लाइव दिखाई दे रहा है थ्रू माई 60 AJ रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप से। आप लोग कमेंट करके बताना ये आपको जो जुपिटर प्लैनेट है आपको कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर मैं फ़ोन और एडाप्टर को सेट कर लेता हूँ, उसके बाद जुपिटर ओपोजिशन की कैप्चरिंग स्टार्ट करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं और मैंने अपना ऑटो स्टिकर ओपन रखा है और यहां पर आप देख सकते हैं ये जुपिटर प्लैनेट है, ध्यान से देखिए। अब यहां पर इसे प्रोसेस करना बाकी है, अब एनालाइज करूंगा जो ग्राफ आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा कितनी क्वालिटी ऑफ फ्रेम्स लेना है, फिर उतने ही लेकर उसे स्टैक करेंगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ स्टैक।